लीडरशिप एज एमरजेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ सोशल प्रोसेस और एमरजेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ सोशल प्रोसेस का मतलब ये होगा कि लीडर किसी एक शख्स की अपनी पर्सनल जिदोजहद नहीं है उसका डेवलप करना एज अ लीडर लीडरशिप की डेवलपमेंट बेसिकली एक माशर्ती सतह के ऊपर तमाम लोगों का सपोर्टिव रोल होना और उन सपोर्टिव रोल्स के साथ साथ तमाम लोगों की यकसुई तमाम लोगों का ट्रस्ट इन्वायरमेंट उसका इस्टेब्लिश होना वो जरूरी है तभी एक लीडर वो एक्चुअली इवॉल्व हो पाता है द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एज यू कुड सी इन द स्लाइड के द लीडर इज देयर टू शेयर कोलेबोरेटिव एंड डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट और जब तक वो कोलाबोरेटिव और डेमोक्रेटिकली ऑपरेट नहीं करेगा जब तक वो दूसरों के साथ मिलकर फैसला नहीं करेगा तब तक वो ट्रू लीडरशिप कॉन्टेक्ट में काउंट वो नहीं होगा सो so, उसको डेमोक्रेटिकली ऑपरेट करना है उसको एक जमहूरी अमल से गुजरना है उसको लोगों के साथ कोलैबोरेट करना है विन विन सिचुएशन में आना है बिकॉज विन विन सिचुएशन ही उसकी क्रेडिबिलिटी को प्रमोट और सपोर्ट वो करेगी द थर्ड थिंग इज दैट द लीडर नीड्स टू इंटरैक्ट विद इंडिविजुअल्स देर इज अ वेरी फेमस कोट इट इज सेड कि देर इज नो साउंड इफ देर इज नो लिसनर बिल्कुल इसी तरह देर इज नो लीडर इफ देर इज नो फॉलोअर सो लीडर के लिए जरूरी है कि वो इंटरक्टिवली फॉलोअर्स के साथ चले और जब तक वो इंटरेक्ट नहीं करेगा तब तक वो जान नहीं पाएगा कि एक्चुअली फॉलोअर्स की जरूरत वो हैं क्या बिल्कुल इसी तरह इन द डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि देयर शुड बी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ डेलीगेशन लीडर शुड बी देयर टू डेलीगेट द अथॉरिटी द लीडर शुड बी देयर टू डेलीगेट द पीपल देयर राइट्स द लीडर शुड बी देयर टू सपोर्ट एंड प्रमोट देम सो दैट दे कुड हैव देयर ओन सेल्फ डेवलपमेंट ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसके बगैर डिस्ट्रीब्यूट लीडरशिप का तस्वर वो पूरा नहीं हो पाता लाइक वाइज जब हम डिस्ट्रीब्यूट लीडरशिप की बात करते हैं तो द लीडर हैज़ टू तो एक्ट इन अ वे कि जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ द वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ द रूल्स एंड रेगूलेशन मिशन एंड विजन वो मौजूद हो जहाँ पर शेयर्ड तरीके से लोगों के साथ मामला वो सुलझाए जाएँ सो so, उसकी प्रैक्टिस के अंदर ये बातें शामिल हों दे हैव एक्चुअली कोलेबोरेट विद अदर्स लाइक वाइज लीडरशिप में इट इज टेकन अप एज दैट लीडरशिप इज एज एज अ अ टेकन अप प्रोसेस जिसका मतलब ये होगा ये होगा कि एक अपस रिपेयर का अमल है ये एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट का अमल है जिसमें कि दूसरों के साथ ताल्लुक स्टेब्लिश करना वो जरूरी है सो रिलेशनशिप एंड नेटवर्किंग इज द कोर ऑफ लीडरशिप और नेटवर्किंग के बगैर लोगों के साथ बातचीत के बगैर लोगों के साथ शेयरिंग किए बगैर आप शायद अपने आप को उतना क्रेडिबल लीडर वो ना बना पाओ द थर्ड थिंग इज जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप की बात करते हैं तो वी हैव टू सी दैट लीडर इज फोकसिंग अपॉन द आउटकम एज वेल लीडर का वहां पर काम सिर्फ प्रैक्टिस करना नहीं है सिर्फ पे फोकस करना नहीं है बल्कि आउटकम्स को भी लेकर आना है और आउटकम्स के तौर पर ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ उसकी प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्टिविटी ऑपरेशनल एक्सीलेंस सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्टेक सस्टेनेबिलिटी, देर आर सो मेनी कंसर्न जिन कंसर्न को मद्देनजर रखना एक लीडर के लिए जरूरी है देयर फॉर डियर स्टूडेंट्स जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप में देर शुड बी ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स विच आर रिक्वायर्ड देर शुड बी लो टर्न ओवर एन एबसेंटिज्म देयर शुड भी हायर ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट और जब ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर इंप्लाइज की इन्वॉल्वमेंट एंगेजमेंट लॉयल्टी ये सब चीजें भी हमें दरकार होंगी एंड देर शुड भी सुपीरियर ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन अपने डिफाइंड स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कर रही हो सो डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द आउटकम ओरियंटेशन द प्रोसेस एंड द एक्टिविटीजर अपॉन अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड परस्पेक्टिव में लीडर को दूसरों के साथ मिलकर काम करना है और दूसरों को भी सपोर्ट और प्रमोट करना है ताकि वो भी अपनी क्रिएटिविटी इनोवेशन वो ब्रुएकार ला सकें और वहां पर ऑर्गेनाइजेशन के जो आउटकम्स हैं वो भी अचीव हों थैंक यू